नहीं, लोन लेने के बाद तो सर हर कोई देता है गाली, आप नए बंदे नहीं मिले हो हमें। हाँ तो मतलब तुम गाली सुनने के लिए बैठे हो ना। तो सर सैलरी इसी की काम की मिल रही है हमें। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी सर बताइए, आपका लोन चल रहा था सर पेमी इंडिया में, सर क्या दिक्कत आ रही है सर? पेमी इंडिया वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे, मेरे रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं, धमका रहे हैं मुझे, गाली दे रहे हैं। सर क्यों करेंगे हम आपके रिश्तेदारों को, लिए बताइए। चलो कोई बात नहीं, आपने नहीं करी, मैंने लोन लिया ही नहीं आपसे। मैंने लोन ही नहीं लिया आपसे। लोन नहीं लिया आपने ना? तो सर अगर लोन नहीं लिया होता तो सर यहाँ पर आपका बहुत थोड़ा ही होता, आपका नंबर थोड़ा ही होता अगर लोन लिया होता। मेरा ना फोन चुर गया, मेरा वो चुर गया था पर्स, तो उसने मेरी कमी दी थी। आपने 10,000 रुपए का सर आपने लोन लिया हुआ है और आप बोल रहे हो कि आपने लोन नहीं लिया। सर मैंने नहीं लिया। नहीं नहीं वो आपकी बात ठीक है सर, आपने लिया था, क्योंकि लेने के बाद ना आप यही बोलेंगे कि तो ऐसे ही है ना, कॉल करने के बाद रिकवरी एजेंट बोलते हैं जी हमने कॉल नहीं करी। ठीक है, वैसे मैं बोल सकता क्या मैंने नहीं लिया? नहीं सर वो देखिए सर, कॉल की तो बात ऐसी है, अगर आपने जो नंबर दिया हुआ उस पर तो कॉल जाएगी। तो आप है ना उससे ले लो, मैं नहीं देता। हाँ जी उसी से ले लो पेमेंट, मेरे नंबर से। देखिए सर, देखिए पेमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। आप ये सोच रहे हो, देखिए अभी आप पेमेंट नहीं करेंगे, आगे वो कभी भी आपको जरूरत पड़ती है आप यहाँ से लोन नहीं लेंगे, किसी दूसरी जगह से आप लोन लेंगे। ठीक है, सिविल की मार्च 14 दो, मुझे कहीं से लोन नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं वही तो बता रहा हूँ ना, फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप मुझे लोन नहीं लिया है? सर आप बोल नहीं सकते हो कि मैंने कॉल नहीं की, हमने कॉल नहीं की, तो मैं नहीं बोल सकता क्या? सर जी देखिए वो आपकी बात ठीक है, हम आपसे अभी बोल रहे हैं, हमने आपका जो रेफरेंस नंबर उस पर आपने नंबर दिए हैं उस पर तो कॉल करेंगे हम। हाँ तो आप ले लो उनसे। ठीक है, आप पेमेंट नहीं करोगे, आपने रेफरेंस किस लिए होते हैं? ठीक है, तो आप ले लो उनसे, ले लो रेफरेंस वालों से ले लो। नहीं सर जी, पेमेंट तो आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं, रेफरेंस वाले ही देंगे सर, क्योंकि नहीं नहीं आप पेमेंट तो सर आपको ही करनी पड़ेगी। नहीं सर, पेमेंट तो रेफरेंस वाले ही देंगे, बस यही होगा कि एंड में जाके यही होगा, पेमेंट आपको ही करनी पड़ेगी। उससे पहले ये होगा कि लोगों को आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके। हाँ सर बता दो, मैं तो ये चाहता ही हूँ, आप बता दो करतूतें क्या है। आपके माँ बाप ने यही सिखाया है, क्योंकि आपके माँ बाप भी यही काम करते थे, आपके माँ बाप भी यही काम करते थे, आपने लोन लिया है ना, उन्होंने यही चीज सिखाई है, उन्होंने यही चीज सिखाई, तभी तो आप ये काम कर रहे हो। तो लो मेरी बात सुनिए पहले। अरे सुनो मेरी बात सुनो, ठीक है, आपकी बात सुन ली, सुनो मेरी बात सुनो। उनको है ना सबको बता देना जी, इसने लोन लिया है, इसने पेमेंट नहीं भरी है। ठीक है, तो सर मैं क्यों बताऊंगा सबको, ये बताइए, तुम बता दो, खुद ही पता लग जाएगा। मेरे माँ बाप ने रिकवरी वालों की माँ चौधरी नहीं सिखाया मुझे, ठीक है, वही चौधरी वो सिखाया नहीं, क्योंकि उन्होंने आपको यही सिखाया, क्योंकि आपके मैं कहता रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे रिकवरी वालों की माँ चोट नहीं सिखाया, वही उन्होंने यही काम किया था, उन्होंने ये उन्होंने तुम्हारी माँ मतलब तुम्हारे माँ बाप की माँ चोट दी थी, मैं तुम्हारी चोट रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा ने तुम्हारे माँ बाप की माँ चोट दी थी, मैं तुम्हारी चोट रहा हूँ। ठीक है, खुशी मिली? नहीं वो खुशी मिल गई, खुशी क्या? अब अपनी यार क्या क्या गाली दूं बहन के लोड़ो तुम्हें। नहीं लोन लेने के बाद तो सर हर कोई देता है गाली, आप नए बंदे नहीं मिले हो हमें। हाँ तो मतलब तुम गाली सुनने के लिए बैठे हो ना। तो सर सैलरी इसी की काम की मिल रही है हमें, सुनाते रहो आप। तो अब गांड कब मरवाओगे मुझसे? नहीं सुनाते रहो ना, अब गांड कब मरवाओगे मुझसे ये बताओ। हाँ सर काफी ज्यादा हो रहा है, आप कॉल काट दीजिए। ठीक है, कॉल नहीं काटूंगा मैं तुम्हारी, मैं चो दूंगा पहले, माँ चो दूंगा मैं तुम्हारी माँ। ठीक है,